दादा ने तोड़ा और ये ऊपर से गिरा सीधा नीचे। शेप दिख रही है कैसी है? मेरे को पता है, यहाँ संभाल के धीरे धीरे जाना पड़ेगा। लेकिन अचानक से मेरे को इतने सारे मिलने लगे। इसको घेर लो तीनों तरफ से। यहाँ नीचे पता आए हुए बहुत सारे बंदर, और बंदर करके चले गए सीन। दादा नीचे उन्हीं को भगा रहे हैं, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ बंदरों का कमाल। ये देखो, बंदर इसे खा के चले गए। और ये उन्होंने आज नहीं खाया, ये उन्होंने खाया था 3-4 दिनों पहले। और वहां पर देखो एक और लगा हुआ है, एक वहां पे लगा हुआ है। ये सारे के सारे आज मैं निकाल के लेके जाऊंगा। एक वहां पर देखो कितना बड़ा है वो। चलो कोई नहीं, तब तक मैं इन्हीं को निकाल लेता हूँ। एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको निकाल लेता हूँ मैं। दोनों के दोनों तो निकाल लिए मैंने, अब मुझे और भी निकालने क्या? मैं तो सोच रहा हूँ मैं सारे निकाल दूँ, क्योंकि बंदर यहाँ पे आएंगे ना फिर से खा के चले जाएंगे। यहाँ पे कुछ और भी होंगे जो नीचे लटके होंगे, यहाँ पर तो नहीं दिखाई दे रहा मुझे कुछ। शायद यहाँ से आने के लिए रेडी है। सामने मेरे करेला, यहाँ पे काफी कुछ लगा होगा, इसको भी ले चलते हैं। वैसे क्या करेगा बेचारा यहाँ अकेला। यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे बहुत सारे करेले हैं। ये रहा एक और मेरे सामने, ये अंदर से रेड और बाहर से येलो हो चुका है। या तो ये खराब हो चुका है, या तो ये कुछ ज्यादा ही पक गया। एक एरा क्या करना है इन सब का, बहुत पंगे हैं वाकई में। ये देखो एक निकलेगा यहाँ से, एक निकलेगा यहाँ से, एक यहाँ से निकलने के लिए रेडी है। मुझे पता है वो वाला निकालना है, लेकिन वो बहुत ऊपर है। आज का थोड़ी ना खाया हुआ ये, 3-4 दिन पहले का है। निकल गया हुआ है तो उस वाले पेड़ से निकालना। चला कितना बड़ा वो, ऊपर बहुत है लेकिन निकलेगा तो पेड़ पे चढ़ के, लेकिन ऊपर है काफी। चलो इन दोनों को लेके, अब दो मैं अभी अभी लेके आया और दो इधर रखे हैं। ये तो वाकई में बहुत बड़ा है, ये भी काफी बड़ा है। मैं रूम में बैठा हुआ था, बंदर यहाँ पे आके बैठ गए। यहीं पे हूँ दादा, रूम में बैठा हुआ था, दो बंदर आए यहाँ पे बैठ गए। अभी वो सारे के सारे पता नीचे ही हैं। दादा लेकिन यहाँ से लौकी निकालनी है, निकालते हैं अभी, लेकिन बहुत ऊपर है वो। वहाँ पे दो तो मैं घर लेके चला गया, जिसमें से एक थोड़ा खा रखा था उसने। अभी भी है यहाँ पे दो कद्दू एक लौकी, अभी अभी लेके आया दादा वहां से। और अब ये क्या लगा हुआ है, ये टमाटर है क्या? टमाटर ही है पता है। बुड्ढा हो गया बड़ा वाला, निकला लेकिन निकलने को तो निकल जाएगा, पर बुड्ढा हो गया। बहुत सारे लग रहे हैं अभी, बहुत सारे। 2-3 हफ्ते रुको, देखना कितने सारे निकलेंगे अभी यहाँ से। आज मैं ड्यूटी पे हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बंदर आते जा रहे हैं आज। फिलहाल तो मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे। कोई नहीं, मैं नीचे चला जाता हूँ, यहाँ पे बैठते हैं। हद हो गई सही में, कभी वहाँ पे कभी यहाँ पे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके भगाऊंगा मैं बंदर। उन्होंने पता क्या स्ट्रेटेजी यूज करी होगी, कि वो यहाँ पे आएंगे फिर मैं यहाँ आऊंगा भगाने, फिर वो वहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से अभी भी आवाज आ रही है बंदरों की। माल की चीज तो यहाँ पे ये यह है कि यहाँ एक भी पत्थर नहीं है। सही में सारे के सारे बंदर ना जो भग चुके हैं यहाँ से, वो सबके सब पता है यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आए थे, और अब वो लंच करने भी आएंगे। वो डिनर करने नहीं आते, डिनर करने पता नहीं वो कहाँ चले जाते हैं। और मैं बहुत देर से यहीं पे खड़ा हूँ, वो सारे के सारे नीचे ही हैं। दिख नहीं रही दादा, यहाँ इधर कद्दू के लास्ट में, लेफ्ट राइट, ठीक है यहाँ। ओके मिल गया मुझे, ये रहा। दादा ने तोड़ा और ये ऊपर से गिरा सीधा नीचे। यही है क्या वो? हाल चाल देख के तो लग रहा है यही है। लंबा कितना है? छोटा तो नहीं है, सही है। बुड्ढा हो गया मेरे हाँ। लेकिन पन्नी लेके आना पड़ेगा दादा इसके लिए, तो बहुत सारे हैं। निकाल रहे हो आप यहाँ से? करेला। इसके लिए तो पन्नी लेके आना पड़ेगा। ये देखो, अब बताओ मैं क्यों भाग रहा हूँ, क्योंकि पूरा फर्श ना ऐसा लग रहा है मैं तवे के ऊपर खड़ा हूँ। सही में चप्पल ऐसी फूक रही है, क्या बताऊँ मैं। पता नहीं दादा ने लौकियाँ यहाँ पे क्यों रखी हुई हैं। दादा अभी भी वहीं नीचे हैं। क्या कर रहे हो दादा? पापा ने भेज दिए पैसे, मैसेज आ गया। मैं आया अपने स्पेक्स लेने था यहाँ पे। ये तो बढ़िया है दादा, मस्त है ये वाला कद्दू, अभी तक का सबसे बढ़िया कद्दू। अगर ये सही में ऑक्शन किया ना इसका, लाखों का बिकेगा ये। शेप दिख रही है कैसी है? नीचे से एकदम परफेक्ट गोल, परफेक्ट गोल तो नहीं है, थोड़ा ओवल शेप का है। ओवल शेप का भी नहीं है, थोड़ा हल्का हल्का सा ऊपर है। ये पकड़ने के लिए घर पे भी लटका सकते हो, की चैन जैसा भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन यकीन करो अभी तक ये सबसे बेस्ट कद्दू देखा मैंने। इसको यहाँ पे रख दो, ऊपर ही लेके चला जाता हूँ इसको मैं। दादी ने बोला पीछे लेके आना चाय ग्लास। What's up everybody? Welcome to the blog. पहले मैं वहाँ पे पहुंच जाता हूँ, मैं फिर जाके मिलता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में थर्मस है, मेरे हाथ में ग्लास है, मेरे हाथ में हेयर बैंड है, और मैंने यहाँ पे लगा रखे अपने स्पेक्स, और एक हाथ में फोन भी है। यहाँ से मैं जा रहा हूँ पीछे खेत की तरफ, क्योंकि दादी ने मंगाई है चाय। अब इतनी खतरनाक धूप में कौन चाय पीता है? खैर छोड़ो, वो टैलेंट टैलेंट की बात है, लेकिन मैं ऊपर वाले खेत से जाऊंगा। बिल्कुल रास्ता नहीं है, नीचे वाले खेत से जाना पड़ेगा। बहुत पंगे सही में, ये मिल गया मुझे रास्ता पतला सा, जाना तो पड़ेगा अब, चाहे कुछ भी हो जाए, कांटे हो चाहे साटे हो। पर
वाले रास्ते से चलो। इतनी बड़ी बड़ी घास है ना यहाँ पे, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें। वो रहे मेरे सामने, मुझे तो लगा आज मेरे को मिलेंगे ही नहीं। ये रही दादी चाय, पीछे चलते हैं। अरे वाह क्या बात है, फाइनली मैं वहां आया जहां मैं आना चाहता था लेकिन कभी आ नहीं पाया। यहाँ से गिरा नीचे बड़े मस्त वाला। और ये जगह क्या लग रही है यहाँ से, कूल एकदम। इस गांव में मैं जाना चाहता था और सही में पता है आज मेरा दिमाग खराब हो चुका है। बंदर इतने सारे आए जितने मैंने अभी तक कभी नहीं देखे। हुआ पता है मेरे साथ क्या था, मैं ब्रश कर रहा था अचानक से बंदर आ गए, फिर उसके बाद मैं फेस वॉश कर रहा था फिर से बंदर आ गए, और मैं पूरा का पूरा फेस वॉश मुंह में लगा के भगा बंदर भगाने के लिए। और बंदर भी ऐसे हो पता, वो भागने को राजी नहीं थे लेकिन फिर भी जैसे तैसे दादा ने बंदरों को भगाया और उसके बाद मैं जाके शांति से बैठा। यकीन मानो पता बंदरों का बहुत बड़ा पंगा पहाड़ों में। मैं यहाँ जा सकता हूँ, मैं यहाँ जा सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ जाऊंगा, ये थोड़ा ऊंचाई में है इसीलिए। असम चीज ये है कि यहाँ पे बैठता है बाघ। बॉटल्स पड़ी हुई है इतनी सारी, यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं है। पीछे चलो अब, ये घास देखो यहाँ तक आ रही है, कमर तक, कमर से भी ऊपर। दादी ना ना नहीं गिरूंगा। वैसे मुझे यहाँ पे बैठे हुए पता है बहुत देर हो चुकी है लेकिन अच्छी बात यह सारी की सारी घास ऑलमोस्ट कटने वाली है। पता मैंने क्या मिस कर दिया, अगर मेरे पास यहाँ पे ड्रोन होता ना बस तुम्हें दिखाई दे रहा है फिर मैं क्या कर देता यहाँ पे। मैं ड्रोन फ्लाई करता हुआ लेके जाता पूरा का पूरा एक मस्त सिनेमैटिक शॉट लेके, और सही में पता है इतना कूल व्यू लगता ना वो, मजे आ जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, नॉट टूडे नॉट टुमारो बट वन डे शायद ड्रोन भी आ जाए और सिनेमैटिक शॉट फिर देखना उस समय कितने कूल होंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ जब मेरे पास सारे गियर्स आ जाएंगे ना, कैमरा ड्रोन व्रोन जो भी है सब कुछ, तब पता मैं एक बार यहाँ पे विजिट करूंगा फिर से और उसके बाद फिर यहाँ पे शूट करूंगा मैं एक नंबर का व्लॉग। यहाँ से निकलते हैं घर, मैं यहाँ पे पानी लेने जा रहा था और मेरे को अचानक से पता क्या देखा, करेले एक ही लटक रहा है, एक ही रहा। इसको निकालते हैं, ये उगते तो हैं लेकिन मिलते नहीं है और ये बहुत ही अलग अलग तरीके से उगते हैं। कुछ कहने का मतलब है हमें पता है महीने में 10-15 मिलते हैं, अगर पूरे पेड़ पे लग जाए ना भर के तब बने बच्चे। ऐसे ऐसे ही मिलते हैं मैं, दो तीन एक ही रहा लेकिन अचानक से मेरे को इतने सारे मिलने लगे, ये तो बाबा जी का चमत्कार हो गया। यहाँ पे तो हमारे गांव के ना कम हरे हैं, शहर वाले बहुत हरे होते हैं, शायद पेस्टिसाइड का कोई गेम होगा। एक वो रहा, अब शायद पता है वो बड़ा होगा तो उसे वहीं पे लगे रहने दो। मैं यहाँ पे कलेक्ट कर रहा हूँ सारे के सारे निकाल के। एक ही रहा, ये तो सबसे बड़ा है, ये थोड़ा व्हाइट है। एक ही रहा, मुझे एक और मिल गया, कमाल हो रहा है। तो इसको भी निकाल ही लेते हैं, ये शायद इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब इन्हें लेके चलते हैं घर, यहाँ पे इतने सारे करेले जमा हुए। ये सांड फिर आ गया और इसकी चर्चा ना पूरे गांव में है, पता नहीं किसका ये। जिनका वो आके ले जाएंगे इसलिए रख रहे हैं मंदिर, अपना हो गया ये। ओए होए फ्री का माल मिल गया आज, अब नया घर मिल गया इसको, यही रहेगा भैया। ये तो बहुत टाइम से घूम रहा था पता नहीं, इसकी तो चर्चा है गाँव में, इसकी नहीं है। फिर कौन सा, वो दूसरा था, वो तो चला गया। अच्छा कोई नहीं, आ गया बैठा रहेगा बंदर, नए नए दोस्त मिलेंगे उसे। एक ही रहा, तीन अभी आ रहे हैं। सही कह रहा ना, सही कह रहा ना, ये सब के सब मेरी तरफ आ रहे हैं। पहले मैं निकल लूँ, यहाँ दो यहाँ पे खड़े हैं लेकिन ये हमारे नहीं है। चलता हूँ इधर, पहले इन सबको आने दो, चलो आ जाओ। ये रहा अपना, ये भी अपना, ये भी अपना, पहले इन्हें एक बार आगे तो जान दो। एक अद्धे ने मार दिया तो मुझे हो गया काम मेरा, फिर बढ़िया जा रहे हैं आराम से। चलो ये है किसके इतने सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं पूरे। देखो पूरी की पूरी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, अब होगा यहाँ पंगा देखना। ओहो ये तो खतरनाक मॉडल है भाई, ये कुछ अलग ही फिरात में आज। वो देखो इधर देख रहा है, अरे यार ये क्या चटाई है इनकी। चलो पता है यहाँ पे लड़ाई होने वाली है, चल चल चलो एकदम। ओ ओ ओ, ओ यहाँ पे पंगा हो गया सही में, इसके हैं इतने सारे, लोग आते भी नहीं लेने। चलो ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नीचे चल चल नीचे नीचे चल, किसका आइटम है तू, चल नीचे तू भी। मेरी तो सही में ड्यूटी से लग गई है, और ड्यूटी वो भी गलत बंदे को। ओ देखो देखो ये भाई पिटेगा घर पे जाके, चल ओए वो सामने से क्या आ रहा है, अरे वो गाय वहां पे गई हुई है। ये देखो देखो लड़ाई कर रहा है, सब लड़ते रहते हैं इधर। जिन्हें उधर जाना होगा वो तो चले जाएंगे, जिन्हें नीचे जाना होगा नीचे चले जाएंगे। वो वाला लड़ते लड़ते जा रहा है, पता नहीं किसका चला गया वो। ये तीनों अपने हैं शायद, क्योंकि ये यहीं पे जा रहे हैं। ये तो चार हो गए, कमाल है। वो निकल लिए ऊपर दो, देखो 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 क्या कर रहा है वो। ये वाला हमारा नहीं है, ये और ये तीन हमारे हैं, इन्हें निकालना पड़ेगा यहाँ से ऊपर। वो वाला अभी भी वहीं पर रुका हुआ है, कोई बात नहीं हम निकलते हैं इधर।
पता नहीं किसका दादा वो, ये दोनों के दोनों को भगाना पड़ेगा यहाँ से। अभी पता नहीं है किसके, चले जाएंगे अब दोनों के दोनों अपने आप। A few moments later, फिर आ गया, दो आ रखे हैं। अब इन्हें थोड़ा और दूर भगाना पड़ेगा, तो वापस आ गए दोनों के दोनों। चल अभी नीचे चला गया। अबे कहाँ जा रहा है, ऊपर आ, चल ऊपर। अलग ही चटाई है भाई। अरे आ जाना, लेके आना पड़ेगा इसे। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। चल 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 भग गया, भग गया, भग गया। कितनी तेजी से भगा फुड़ती मैं। पहुंच गए दोनों के दोनों, चल ऊपर। अब मैं निकलता हूँ घर।